ପଢ଼ଉଛି ମୁଁ ହେଲେ वेलकम टू मानिक दिस इज अजय सर फैकल्टी ऑफ जीएस। देखो आम बर्तमान सीरीज नौ कि वर्क पावर एनर्जी यार प्रीवियस वीडियो ये वर्क पावर एनर्जी रो सेकंड वीडियो यार फर्स्ट वीडियो आम ऑलरेडी कर सारी तुम ताको यूट्यूब रे मानिक स्लैश वर्क पावर एनर्जी देख पार पार्ट वन एवं ये हला वर्क पावर एनर्जी रो पार्ट टू। आम पार्ट वन पढ़ी कि वर्क क्या कह जाए एनर्जी क्या कह जाए अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स वर्क कौन आउ एनर्जी कौन। आज आम पढ़वा वर्क एनर्जी पर मुझे से दिन पढ़ी वर्क कौन फर्स्ट पार्ट तुम देख पार वर्क क्या कह जाए एनर्जी क्या कह जाए। आज आम पढ़वा ये पावर क्या कह जाए ये है तुम वीडियो रो सीरीज नंबर टू क्लियर। देखो वानिक कमिटेड हो कि तुम सहित रहा समस्त स्टूडेंट ईच एंड एवरी टॉपिक को यूट्यूब देवु आमको सपोर्ट करो लाइक करो सब्सक्राइब करो ओके। देखो यापर आम आस्ते आस्ते मु फिजिक्स सब सीरीज को देखा ट्राए करुच्ची एवं केमिस्ट्री भी आस्ते 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 सीरीज आम देवु तो देख सेयार भी कर। देख एवं एनर्जी पर पावर पाक ये पावर कौन देख छुआ मु फर्स्ट पार्ट रे या पढ़े थी कि एनर्जी क्या कह जाए ना एनर्जी है कैपेबिलिटी टू डू समथिंग किसी कम कर जो कैपेबिलिटी को कहा जाए एनर्जी बोली कह जाए क्लियर। एवं पावर कौन पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क तमाने मु जो कम करुची ये कम पर यूनिट टाइम रते कम करुच्छे मनकर मुझे कह मनकर मुझे कह मो पाखे दीटा स्टूडेंट अच्छा एवं ये दिटा स्टूडेंट भितर गोटे स्टूडेंट कौन करुचे ना पर यूनिट रे पांचटा पेज पढ़ी पारे एवं आउ गोटे स्टूडेंट कौन करे ना पर आवर रे फाइव पेज पढ़ी कंप्लीट करी पारे एवं आउ गोटे स्टूडेंट कौन करुचे ना सी सेम समय छटा पेज पढ़ी पारे तुमको सर छटा पेज जी पढ़ी पारे तो ओब्वियसली तार वर्क तार पावर अधिक थी बिकज से सेम टाइम जी अधिक वर्क कला पर यूनिट टाइम जो अधिक वर्क कला से हेला होची पावर बोली तार कह पार तो ओब्वियसली सर ये छटा पेज पढ़ला तार अधिक पावर थी एवं ये पांचटा पेज पढ़ला तार कम पावर थी। ताल मुझे कौन शिखिली यह जान ली कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपन टाइम क्लियर। तो पर यूनिट टाइम जी जी वर्क कला तार पावर बोली कह जाए तो ये मुझे लिखिपरि ना जूल पर सेकेंड आगे लिखिपरि ओब्वियसली सर वर्क बाय टाइम मैंने जूल पर सेकेंड भी लिखिपरि एक्चुअली जूल पर सेकेंड लिखा जाए ना जेम्स वाट को ना अनुसार एसआई यूनिट ला कौन ना वाट बोली कह जाए क्लियर। एवं ये गोटे स्कालर क्वांटिटी ओके तुम यार डायमेंशन भी काढ़ी पार सर वर्क बाय टाइम वर्क डायमेंशन मुझे एम वन एल टू टी माइनस टू मत मुझे एल वन एम एम माइनस वन एल माइनस टू टी माइनस टू ये है वर्क रहा एवं जो वर्क बाय टी माइनस वन दैट मीन्स तुम डायमेंशन पावर काढ़ एमती कि एम माइनस वन एल टू टी माइनस थ्री ये है पावर डायमेंशन तुम कहीपर क्लियर। अच्छा एबे देखो नेक्स्ट मुझे कहली पावर कौन रिप्रेजेंट करे ना पावर रिप्रेजेंट करे हाउ फास्ट और हाउ स्लो वर्क इज डन जदि स्लो वर्क है पावर निश्चित भाव कमी जदि फास्ट वर्क है वर्कटा फास्ट है पावर निश्चित भाव बढ़ी क्लियर। हेन्स पावर डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल देखो एनर्जी कौन कहला कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ये पावर कौन कहे एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल गोटे इंडिविजुअल एबिलिटी को बुझे पावर कैपेबिलिटी को बुझा एनर्जी तो मो पाखर जिते अधिक कैपेबिलिटी थी मुझे कौन कहीपरि ना मोर पावर से सरी से एनर्जी थीपर एबिलिटी जिते अधिक रोक पावर हो पार क्लियर। एवं जी पावर संबंधी किसी क्वेश्चन आसे क्वेश्चन को देख इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे प्रथम तुमको पावर विषय में बुझेली या कहली कि पावर इन टर्म्स ऑफ वर्क जी जिते वर्क कर पार तार पावर से अधिक हम क्लियर। एवं मुझे कह चाहिए
कि पावर को मुझे जदि एनर्जी टर्म लिखिबी ताले कोन हबो जदि पावर को एनर्जी टर्म लिखिबी कोन हबो ना मु कहि परिबी कि वार्डन माने अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड मोर प्रीवियस सीरीज वीडियो देखिबो ये ला मोथर कहि छि ये सीरीज रो 2 नंबर पार्ट 1 नंबर पार्ट देखिबो वर्क एनर्जी बुझाइ छि 2 नंबर पार्ट रे बुझै छि मु पावर को तो पार्ट 1 जे जे न देखि छि पार्ट 1 देखिबो तापर आसे पार्ट 2 देखे पई क्लियर एबे देखो वार्डन मानेला अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड मु केते अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करू छि दिस इज माय वार्डन एवं ये एनर्जी जो कंज्यूम करू छि पर यूनिट टाइम हेलाउ छि पावर मु जो एनर्जी ना कंज्यूम करूतली पर यूनिट टाइम रे केते अमाउंट एनर्जी कंज्यूम करू छि दिस इज माय द पावर तमन में लिख परिबे कि सर पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम ओबेसे सर लिख परिबे तो एबे भी सही यूनिट आसीबो सर जूल पर सेकंड अब जूल पर सेकंड को लिखा जाए ना वाट को लिखा जाए तो यदि मैं डेफिनेशन कहबे त द दैट मींस रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड पावर तो पावर हला केते अमाउंट रो एनर्जी को मु कंज्यूम करू छी दिस इज माय द पावर देखो छुआ ये किछ कन्वर्सन पछि देखि दबो कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट आको मन रखथिबो 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट 1 हॉर्स पावर बाय एचपी बिल कहा जाए 746 वाट देखिबो रेलवे इंजन लोकोमोटिव WP4 WH9 ये सब हाई एचपी रे थाए 5000 एचपी 6000 एचपी ये माने कोन त माने मल्टीप्लाई इनटू द 746 कर दबो सेति की वाट रो लोकोमोटिव थाए तो हाई अमाउंट रे एनर्जी जे कंज्यूम करे तक हम एचपी बोली को एबे परबा 1 किलोवाट आवर माने कोन 1 किलोवाट माने 3.6 इनटू 10 टू द पावर 6 जूल बोली कह परबा और 1 कमर्शियल यूनिट अब जे काकु तुम बुझे पड़ियो माने कोन यार माने हला मु तुम का जे प्रॉब्लम भी करे बिछवा ये वीडियो टिके लेंदी हे परे बट मु प्रॉब्लम भी करेबे को क्लियर देखो 1 कमर्शियल यूनिट रो माने कोन तमे घरे जो यूज करूचो इलेक्ट्रिसिटी तमे कहो सर हमर घरे ए मास रे इलेक्ट्रिक बिल हे कि 22 यूनिट बिल हम रे हे यार माने कोन छ यार माने हला जते बेले तुम घर रो समस्त इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एति की जूल रो एनर्जी कंज्यूम कर देबे केते 3.6 इनटू 10 टू द पावर 6 जूल रो एनर्जी कंज्यूम करिबे सेते बेले तमे कहि परिबो कि सर हमर गोटे यूनिट इलेक्ट्रिक बिल उठिला एवं ये इलेक्ट्रिक बिल कोन का जे ना 1 कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक बिल बोली को आ जे परबो क्लियर देखो छुआ जदि मु अबे नेक्स्ट को जिबी या विषय रे मु यदि कहबी मार्केट जाके जे मागीबी कि मते उठे 60 वाट रो मार्केट जिबी मु कहि 60 वाट रो इलेक्ट्रिक बल्ट दियो यार माने कोन यार माने हला से बल्टा 60 जूल रो एनर्जी कंज्यूम करि पारे पर सेकंड रे क्लियर बा तमे एमति कहि परबो कि सर द बल्ब इज वर्क 60 जूल पर सेकंड ये भी तुम कोई परबो क्लियर एबे जे बा नेक्स्ट जो कि आमे किछ प्रॉब्लम आ गो जेबा ये प्रॉब्लम वर्क रो बिथिबा बिकॉज़ मु वर्क बुझैतली प्रीवियस पार्ट रे एनर्जी भी बुझैतली प्रीवियस पार्ट रे तो आमे किछ प्रॉब्लम आ गो जेबा फर्स्ट देखो ए गार्डनर प्रोसेस ए लॉन रूलर थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर क्लियर से पचार जे गुटे गार्डनर टे डिस्टेंस माने एथि हम डिस्प्लेसमेंट नबा कि 20 मीटर से डिस्प्लेसमेंट होछ एंड ही इफ ही अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 20 केजी वेट ऑफ ए डायरेक्शन इंक्लाइंड 60 डिग्री थीटा कते अछि ना 60 डिग्री 20 केजी टा कोन छ 20 केजी हला मास देछ एवं आमे मास देछ कथा सो कहला फाइंड द वर्क डन यदि मो वर्क काढ़िया को जिबी यदि मो वर्क को काढ़िया पई जिबी ताले कोन के परिवा ना वर्क रो फार्मूला ला एफ इनटू एस cos थीटा f into s cos थीटा बुझला अच्छा मते जे फोर्स जणा नाही तो मते जे फोर्स काढ्या पे कोन करया पडिवो ना मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोन पाई एटे मास देई जे 20 केजी जीरो वैल्यू दे दे छि 9.8 तो 9.8 तो एबे मो कर ले ये हे जो 196 जूल त माने एथि मते समस्तंकर वैल्यू मिलला फोर्स रो वैल्यू मिलला केते मिलला सॉरी 196 जूल हबनी 196 न्यूटन हबो बिकॉज ये ला फोर्स रो यूनिट तो ये हे जबो न्यूटन तो एयर वैल्यू हे जबो 196 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट थला 20 इनटू cos 60 डिग्री रो वैल्यू हला 1/2 तमे आउ कैलकुलेशन करले हे जबो 1960 जूल देख पाइबो आको स्क्रीनशॉट भी नै पाइबो
ओके देख छुआ ये क्वेश्चन थिला कि केते वर्क होउचे ना तुम कह पारो सर एठी वर्क होतला 1960 जूल होतला क्लियर वेरी गुड नेक्स्ट आलो ये क्वेश्चन पहुंचा लो सर बढ़िया क्वेश्चन था लिखला पर्सन इज होल्डिंग ए बकेट बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन गुटे 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 लोकटा से बकेट को धरिथिला बकेट माने ऊपर को देबा फोर्स सो ऊपर को फोर्स पकेथिला 10 न्यूटन सो ऊपर को 10 न्यूटन फोर्स पकेथिला बुझेला तमन से ऊपर को 10 न्यूटन लो फोर्स पकेथिला तापर से कहला इफ ही मूव्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय 5 मीटर ओ आगो गोला 5 मीटर डिस्टेंस एंड देन क्लाइम्स ऑफ ए वर्टिकल डिस्टेंस ए जगह रे पूनी क्लाइम्स ऑफ कला वर्टिकल डिस्टेंस 10 मीटर से कला टोटल वर्क केते हला बाबू एठी वर्क दीटा कंडीशन ल काम करिवो ठीक भलसे देखिवो ये फर्स्ट कंडीशन ले जो डायरेक्शन ले फोर्स थिला तार ठीक 90 डिग्री करिकि थिला डिस्प्लेसमेंट त माने ए जगह रे 90 डिग्री होतला त माने एठी कह परबो सर w = 0 एवं तापर से जगह 5 मीटर गला पर छ ऊपर को 10 मीटर फोर्स पकेला तो ऊपर को 10 मीटर फोर्स पकौची सॉरी हां ऊपर को 10 मीटर 10 न्यूटन फोर्स पकौची एवं ऊपर को उठुची बे त माने एठी केते जइबो थीटा = 0 डिग्री हिबो तो थीटा तो 0 डिग्री तले हि जइबो तो आमे जानि छु थीटा 0 डिग्री बा cos 0 डिग्री रो वैल्यू हला 1 त माने एठी हि जइबो w = f * s फोर्स तो 10 थिला डिस्प्लेसमेंट तो 10 थिला तो एठी कोन हिजबो ना वर्क इज इक्वल टू 100 जूल हिजबो तो ऑप्शन नंबर सी हिजबो राइट आंसर 100 जूल ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन आउटर करिवो बकेट को जतला से ऊपर कोटे दिला जो पोटे डायरेक्शन थिला फोर्स रो तार 90 डिग्री थिला जो कोन ना हॉरिजॉन्टल एठी जीरो वर्क कला एवं तापर जो डायरेक्शन ले बकेट कोटे दिला वर्टिकली समित उठुचि ता माने जो डायरेक्शन ले फोर्स से डायरेक्शन ले कोन दिला ना होचि डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट दिला यार माने एटी 10 * 10 100 जूल हेला क्लियर चलो आ गुटे क्वेश्चन पा खोजिबा ये गुटे बढ़िया क्वेश्चन देखो देखो ए रेडियो सेट ए 60 वाट रन फॉर 50 आवर से को जो रेडियोटा 60 वाट रो रेडियोटा थिला से ताको 50 घंटा काम करा गला 60 वाट माने कोन से रेडियो 60 जूल लो वार करि पारे पर सेकंड रे 50 घंटा पई काम गला हाउ मेनी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर त माने इन 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 कमर्शियल यूनिट आमे पढि दिले एकदा त माने मो कहि परबि ना ये 50 घंटा जे केते सेकंड ना पर सेकंड जदि 3600 सेकंड हुए 50 घंटा जे एति के सेकंड हे जिवन नाही मल्टीप्लाई करा के जरूर नाही एति खाली मन रखो कि एति के सेकंड हला 50 घंटा को अच्छा देखो एति के सेकंड हला से कला 60 देखो भाभी की देखो कि एति के सेकंड से वार करिचे पर सेकंड को 60 जूल लो एनर्जी कंज्यूम करछु त माने एति के सेकंड को केते जूल लो एनर्जी कंज्यूम करिवो त को सर 50 घंटा इनटू पर आवर जे 3600 सेकंड इनटू प्रति सेकंड को 60 जूल लो एनर्जी कंज्यूम करछु क्लियर त माने टोटल से एति के जूल लो एनर्जी कंज्यूम करछु अच्छा से कला केते इन किलोवाट आवर केते किलोवाट आवर हबो अच्छा हम जानि छौ कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इनटू 10 टू द पावर 6 जूल त माने एति कि किलोवाट एति कि जूल जे 1 किलोवाट आवर एति कि जूल जे केते किलोवाट आवर ताको तुम मल्टीप्लाई कर दबो डिवाइड कर दबो डिवाइड कर बात जानिबो कि सर आंसर हबो 3 किलोवाट आवर बुझेला त आंसर कोन जइबो 3 किलोवाट आवर छ बुझेला बुझेला ने ये थिला कि प्रीवियस ईयर रो प्रॉब्लम वर्क पावर एनर्जी रो तमे को ट्राई करिवो करिया पई बहुत सुंदर टॉपिक दे ओके तो या पर तमे माने आमे नेक्स्ट तमे माने कमेंट दे कि लिख परिवो कि आमे को टॉपिक को स्टार्ट करिवा तो लाइक करिवो निश्चित अबरे सब्सक्राइब करिवो एवं शेयर भी करिवो एवं या पर को टॉपिक आमे पढिबा बा इंपोर्टेंट टॉपिक तमको लागुथबो एवं जोडा के आसुलथबो बा कष्ट हो तो बुझे पाए तो आम से टॉपिक नहीं के आसबू निश्चित भाव। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।